देखिए, ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी देख रहे थे, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में कौन क्या फंक्शन करता है, मतलब इसके बराबर कोई सेंटर में इंस्टीट्यूट है क्या? चीफ सेक्रेटरी के बराबर में कोई क्या नहीं है, इंस्टीट्यूट चीफ सेक्रेटरी के बराबर, सेंटर में यूनियन में इसके बराबर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी सर? हमने एक देखा था पावर में क्या लिखा हुआ था, वाइडर, वही चीज तो पढ़ रहे हैं, वाइडर पावर। कैसे सर? देखिए वही तो है, वाइडर पावर है। वाइडर पावर कैसे है? चीफ सेक्रेटरी किन चीजों से मिलके बना है सर? चीफ सेक्रेटरी किन चीजों के से मिलके बना है? एक, दो और तीन। मतलब सर चीफ सेक्रेटरी अगर मैं तीन चीजों को मिला दूं, कौन कौन सी चीजों को सर? कैबिनेट सेक्रेटरी प्लस प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लस फाइनेंस सेक्रेटरी, अगर मैं इन तीनों को मिला देता हूं तो कौन बन जाएगा आपका? इसीलिए इसकी पावर क्या होती है? वाइडर पावर होती है। चीफ सेक्रेटरी की पावर क्या होती है? वाइडर पावर। इसी से कुछ याद आया, हैंड बिल और वो एसआर महेश्वरी, तो आपने सही कहा, लेकिन इसमें कहाँ लगाओगे वो? मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां देख के कुछ याद आया, यहां देख के कुछ याद आया हो? अरे रिट याद आया, क्या था रिट? हाँ, हाई कोर्ट्स रिट आर वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही चीफ सेक्रेटरी की पावर क्या होती है? वाइडर होती है एज कंपेयर टू कैबिनेट सेक्रेटरी। आया नहीं? इतने भी चीजें याद नहीं रखते यार तुम लोग, क्या थोड़ी देर में तुम डीसी बनने वाले हो? हाँ, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है। हाँ एक ही होगा चीफ सेक्रेटरी, तो एक ही होगा ना। अब सर ये पैराग्राफ समझ आया? ये समझाना था, समझ लिया या कुछ समझाना है? स्टार्टिंग का यही है भाई, स्टार्टिंग में क्या कह रहा है? चीफ सेक्रेटरी के बराबर कोई पैरलर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। कहां पे? सेंटर में, कैबिनेट में इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि चीफ सेक्रेटरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ये तीनों की पावर निहित होती है, मतलब इन तीनों का सामंजस्य कहाँ होता है? आपके चीफ सेक्रेटरी। समझ आए इतना? चले आगे। अरे दे दे दे, सर क्या लिख दिया? पढ़ लिया? क्या पढ़ रहा था बताना जरा। हाँ क्या पढ़ा था? ओ मेरे दिल के चैन, जब तक तू मेरे दिल का चैन रहेगा, तू मेरे पास रहेगा, जब तक तू मेरे दिल से दूर रहेगा, दूर चला जाएगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन तू सबकी आंखों का तारा रहेगा, जब तक संयम रहेगा, चीफ सेक्रेटरी तेरा नाम रहेगा। हाँ हो गया, देख लिया क्या सर? किसी को भी इग्नोर कर सकता है वो, चाहे सीनियरिटी को भी इग्नोर कर सकता है, ठीक है, सीनियरिटी को भी इग्नोर कर सकता है, लेकिन क्या करेगा? कोई फेवरेट है उसको उठाया और
और क्या बना दिया, चीफ सेक्रेटरी। सर मुझे एक चीज याद आ रही है, क्या याद आ रही है, गुजरात में किसी टाइम में नरेंद्र मोदी क्या थे, सीएम थे, ठीक है, उस टाइम में अगर गुजरात का क्या बन जाता, चीफ सेक्रेटरी बन जाता, अगर मैं गुजरात का चीफ सेक्रेटरी बन जाता तो मेरी बल्ले बल्ले थी, क्यों क्यों थी बल्ले बल्ले भाई, रह जाता ना मैं तो वहीं पे, बल्ले बल्ले कैसे थी, अब तो कोई और बनता, और पता नहीं मैं उसका फेवरेट हूं या नहीं बेटा। इतना ही नहीं, वो यहां से कैबिनेट में ले आता कि आ जाओ बेटा तुम वहां क्या कर रहे हो, जब मेरा प्रमोशन हो गया तो तुम भी प्रमोशन लो, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, है ना, तो इसीलिए जरूरी है ये। अब पढ़िए ये लाइन, अब शायद बेटर समझ पाए। किसको इग्नोर कर सकता है, सीनियर्स को, फाइंड द, आई है क्या बात है, फेवरेट आईएएस ऑफिसर जो हैंडसम दिखेगा, चल बेटा तेरे को बना देते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट लाइन पढ़ के मजा किरकिरा हो गया, अभी मजा आ रहा था इतना जबरदस्त, एक मिनट में आप मजा देते हो, दूसरे मिनट में किरकिरा कर देते हो, कैसे, इट इज एक्सट्रीमली एम्बरेसिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग फॉर एनी ऑफिसर टू वर्क अंडर देयर जूनियर्स। क्यों सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भाई, पहले क्या करते थे, आईएएस ऑफिसर को कहीं पे भी भेज देते थे, सजा के तौर पर उनको जूनियर के नीचे काम करवाते थे, फुटबॉल बना रखा था कभी यहां कभी वहां। तो इन सब चीजों से परेशान होके वो काम कर ही नहीं पाते थे, अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। इससे बचने के लिए क्या आया, एआरसी में रिकमेंडेशन आई और ये आया। क्यों आया सर, टेन्योर सिस्टम नहीं था। क्यों टेन्योर सिस्टम नहीं था सर, ठीक है आप यहां जा रहे हो, वापस आ जाइए। कहां आ जाइए सर, मैं वापस यहां आ गया, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी बने, कोई टेन्योर सिस्टम, कोई टेन्योर सिस्टम चीफ सेक्रेटरी का नहीं है, फेवरेट था बना दिया। सर डेप्यूटेशन पे तो होगा ना टेन्योर सिस्टम, हाँ ठीक है डेप्यूटेशन पे टेन्योर सिस्टम होगा, लेकिन अगर मैं उसे, वो मेरा चहिता है, दिल का चैन है, तो मैं उसे ऊपर लेके जाऊंगा, कहां लेके जाऊंगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, कोई टेन्योर सिस्टम, जब तक मेरी मर्जी में तब तक उसको रख सकता हूं, जब तक मेरी गवर्नमेंट चलेगी वो तब तक रहेगा, कोई टेन्योर सिस्टम नहीं। कल का लोंडा 30 साल जिसने बिताए हैं उसके ऊपर, या 50 साल बिताए हैं जॉब में उसके ऊपर आके काम कर रहा है, अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसीलिए इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है, किसको, इस टेन्योर सिस्टम को, ये जो यार रिकमेंडेशन सिस्टम है इस सिस्टम को। अरे यार क्या हो गया, कहाँ से, ओह पढ़िए, मेरिट बेस पे भी, मेरिट कम सीनियरिटी इज सेट टू द फॉलो, देयर एग्जिस्ट इज नो रूल गाइडलाइन व्हाटसोएवर टू एक्चुअली एंश्योर दैट द मेरिट कॉज नोट मेड पजली फॉर द, लेकिन सब कुछ आर्बिट्रेनेस के साथ ही हो रहा था, मतलब जानबूझ के सोचे समझे तरीके से सब लोग समझते थे, लेकिन जो प्यारा होगा वही ऊपर जाएगा, जो गवर्नमेंट का चमचा रहेगा वही ऊपर जाएगा। पोस्ट 1973 यूनिफॉर्मिटी, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के एआरसी की रिकमेंडेशन आई, वहां पे बताया गया टेन्योर सिस्टम को दोबारा लेके आया जाए, क्योंकि टेन्योर सिस्टम नहीं था, लेकिन
ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद सिविल सर्विस बोर्ड बना। सिविल सर्विस बोर्ड में क्या हुआ? सिविल सर्विस बोर्ड क्यों बना? जो ये टेन्योर सिस्टम था इसके अगेंस्ट बना था सिविल सर्विस बोर्ड। सिविल सर्विस बोर्ड में क्या हुआ? एक पीआईएल फाइल की गई। पीआईएल किसने फाइल की? सुब्रमण्यम ने, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, टीएसआर सुब्रमण्यम, इन्होंने पीआईएल फाइल की। क्या इश्यू था? कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने एक कहा था, एक मैंडमस जारी किया था। मैंडमस क्या है? राइट, कौन सी, इसका अर्थ क्या होता है? वी कमांड। मैंडमस इज द वी कमांड, ठीक है। मैंडमस निकाला, क्यों निकाला? थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि भाई जूनियर्स के नीचे काम करवाया जाता था, आईएएस ऑफिसर्स को, ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग किया जाता था। कभी यहां बदली, 10 दिन वहां बदली, 15 दिन वहां बदली, 1 महीने वहां, भाई इस जगह से उस जगह जाओगे, फैमिली साथ जाएगी, ठीक है, तो वैसे ही दिक्कत होगी। दूसरा, आबो हवा बदली है आपकी, तो एडजस्ट करने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं इंसान को। इंसान है, कच्चर थोड़ी है कि जहां ले जाके लगाओगे काम पे लग गए, मन भी नहीं लगता। तो इसीलिए ये एक पीआईएल आई। कौन सी पीआईएल थी? सुब्रमण्यम वर्सेस टीएसआर सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब आई? 2013 में आई। इसमें क्या क्या कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में गए और वो कहा कि ऐसी ऐसी बात है तो इस चीज को रोका जाए कि फुटबॉल ना बनाया जाए आईएएस ऑफिसर का, कि जिसके पास आए उसी ने लात मार दी और वहीं भेज दिया। अब कोर्ट ने क्या किया? एसओ रिट इन नेचर ऑफ मैंडमस फॉर एनी अदर एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर डायरेक्शन टू रिक्वायरिंग क्रिएट द इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस बोर्ड, कि क्या क्रिएट किया जाए? एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस बोर्ड क्रिएट किया जाए। चेयर नहीं है? आराम से, इतनी जल्दी मत करो। अब सही है? क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट क्या क्रिएट किया जाए? एक सिविल सर्विस बोर्ड क्रिएट किया जाए और कमीशन बोथ एट सेंटर एंड स्टेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस बाय द, ये उस टाइम एक कमेटी बनी थी कि किस लाइन पे स्टेट या फिर जो सिविल सर्विस बोर्ड है वो बनाया जाए। पुराने टाइम में कब बनी थी? 2004 में बनी। उसके बाद सेकेंड एआरसी आया 2008 में, 10th रिपोर्ट आई, इसने भी क्या कहा था? ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहां पे, क्या कह रहे हैं? ये किसने कहा था? सेकेंड एआरसी में यह भी कहा गया था, सेकेंड एआरसी में था। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? मैं थोड़ा सा ऊपर, थर्ड पॉइंट देखिए, क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट?
समझ आया कि उसको किसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। जैसा ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग काम करो, बाकी हम देख लेंगे। हाँ नॉलेज में फर्क होगा, बिल्कुल होगा। देखिए पहले तो ये पढ़िए, इसको पढ़ना नहीं है, इसको उतार लो, जैम में उतार लो। जो थोड़ी देर पहले बात बोली थी, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भी सेंटर के अंदर आएगा। अगर ये स्टेट लेवल पे बनेगा तो स्टेट लेवल पे कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी। और चीफ सेक्रेटरी किसका लाडला है? सीएम का। बात वही चली गई घूम फिर के। ऐसा कुछ नहीं है, बात वही चली गई घूम फिर के, बात वही गई है। लेकिन ये देखिए सर, हर स्टेट में सिविल सर्विस बोर्ड बन गया। अब ये मत पूछना हर स्टेट में बन गया है, मूर्खों वाला क्वेश्चन मत करना, सामने लिखा है। मान लो मैं पंजाब का क्या बन गया? चीफ सेक्रेटरी बन गया। चीफ सेक्रेटरी नहीं, पंजाब कैडर का एक आईएएस ऑफिसर बन गया। ठीक है, पंजाब कैडर का आईएएस ऑफिसर बन गया। अब ये लग भी गया वहां पे, सिविल सर्विस बोर्ड बन भी गया। मेरा ट्रांसफर कौन करेगा? चीफ सेक्रेटरी करेगा। चीफ सेक्रेटरी करेगा तो फिर कैसे करेगा? सीएम बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करेगा, तो सीएम की और मेरी बनती नहीं है, तो फिर वही फुटबॉल वाला सिस्टम रहेगा। लेकिन हाँ, जूनियर के अंडर तो नहीं दे सकता। क्यों सर, पंजाब के क्यों बने? वो थोड़ी देर बाद पता लगेगा मैं पंजाब का क्यों बना। मुझे पंजाब पसंद है इसलिए बना। उड़ता पंजाब पसंद नहीं है, सिर्फ पंजाब पसंद है। कौन सा? इंडिया वाला पंजाब, बाहर वाला पंजाब नहीं। क्या कह रहा है? सीनियर ऑफिसर सेट सम ऑनेस्ट ऑफिसर वर नॉट इन द स्टेट गुड बुक्स। ठीक है, दूसरी लाइन, पहली लाइन बताइए क्या होगा, क्या कह रही है? ऑनेस्ट ऑफिसर स्टेट की गुड बुक क्या होती है? हाँ, जरूरी नहीं कि ऑनेस्ट हो वो स्टेट की गुड लिस्ट में हो। ऑनेस्ट हो अशोक खेम का भी है, लेकिन स्टेट की गुड लिस्ट में नहीं है। वैसे नाम लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, क्या पता वही देख ले। नेक्स्ट, मैनी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हु आर मोस्टली सेलेक्टेड थ्रू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डायरेक्टली
वर ओवरलुक्ड फॉर द की पॉइंट्स, मतलब और कुछ आकृति में नहीं, जिनको अपॉइंट किया है। हाँ जो जाते हैं उनको ओवरलुक किया गया। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या कह रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड विद द मिनिस्टर हेलिंग फ्रॉम दोज डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच इज नॉट नेसेसरी हेल्दी एंड हेंस दे कंटिन्यू टू बी द कलेक्टर एज फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्यों भाई, इवन एन ऑफिसर रेट बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज स्टिल होल्डिंग हर पोस्ट, नाम नहीं लेना है ठीक है, नाम गुना है, इन सम केसेस इवन ए की पॉइंट्स आर फिल विद अ नॉन आईएएस ऑफिसर अदर ऑफिसर सेट्स। क्या कहा गया है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये केस अगर आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये केस आपको लिखने हैं सर। हेल्दी डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जहां जो अच्छा डिस्ट्रिक्ट हो, करप्शन वगैरह जहां कम हो, लोकल लोकल गांव के पास जो, या फिर लोकल जो ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं एक बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी से थोड़ा सा दूर, उसको गुड डिस्ट्रिक्ट मानते हैं। गुड डिस्ट्रिक्ट तो एक मेट्रोपॉलिटन भी होता है, क्राइटेरिया कोई डिफाइन नहीं है, अच्छी चीजें करेगा वो गुड डिस्ट्रिक्ट होगा, सीधी सी बात है। जो एक गवर्नमेंट की नजर में अच्छा होता है वो गुड डिस्ट्रिक्ट होता है, हमारी नजर में वो अच्छा हो या ना हो डजंट मैटर, हमारी नजर में अच्छा कुछ और होता है, गवर्नमेंट की नजर में अच्छा कुछ और होता है। क्या पढ़ा, अरे बताओ क्या है जल्दी से बताओ फिर आगे चलते हैं। सर नहीं पता, अरे यार इंग्लिश ही तो है, इतनी तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन तक पढ़ के छोड़ चुके होंगे। The most district collector are synchronized with the ministers hailing from those districts which is not necessary healthy district and hence they are continued to be the, मतलब एक कलेक्टर है बहुत अच्छे, मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी आदिवासी एरिया से काम करके आया है ठीक है, और उसको गुड़गांव का डीसी बना दिया, और वो क्या है अभी भी डीसी है, समझे इस चीज को। नेक्स्ट क्या है, चार्जेस लगने के बाद भी लोग क्या करते हैं, अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं, सस्पेंड नहीं किया जाता। अदरवाइज रूल तो क्या है, चार्जेस लगने के बाद आप सस्पेंड हो जाओगे, तो ये हमारी गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है ये। हाँ आधे लोगों के लिए तो है। ये देखो भाई, पहला देखिए सिविल सर्विसेज सीएसपी हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा ठीक है। दूसरा आ जाइए प्रोवाइड फॉर द स्टेट टू फॉलो द, वही थोड़ी देर पहले बताया था जो सीएम बोलेगा वो करेगा, गिविंग द फिक्स टेन्योर एटलीस्ट 2 years फॉर द कैडर ऑफिसर, कि अब क्या दे देगा, फिक्स टेन्योर दे देगा उसको कि भाई इतने साल के लिए तू यहां है
ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्या है वो आगे देखेंगे। क्या थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा किया, कैसा किया, बिफोर टेन्योर उसको ट्रांसफर किया, तो उन चीजों को कौन देखेगा? फाइनल अथॉरिटी कौन है? चीफ मिनिस्टर है। बेनिफिट क्या है इस टेन्योर सिस्टम के? भाई एटलीस्ट आप माइंड फ्री होके काम करेंगे कि भाई आज मैं यहां काम कर रहा हूं तो आराम से तो करूं, दो साल के लिए मैं यहां रिलैक्स्ड होके काम करेंगे। हाँ या नहीं? एक इंसान को फेवरेट क्या मिल जाएंगी? फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी दो साल में काम करने के लिए। वो उस जहां मतलब जहां रह रहा है उस जगह को जान भी जाएगा अच्छे से, तो ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकता है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ एंड ट्राई टू स्टिक टू द रूल्स। कैसे कैसे? सीधी सी बात है, वहां उस एरिया में जो जो रूल्स हैं उसको दो साल में एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक साल में तो हो जाएगा, छह महीने में हो जाएगा, तो उन चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाएगा इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग पॉलिटिकल बॉसेस की चापलूसी करने के बजाय वो रूल्स पे ज्यादा ध्यान देगा। नेक्स्ट, वही है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं उसको रूटीन में आने के लिए, नई जगह जाएगा तो। अगर वो 2 साल रुका तो क्या करेगा? अच्छा काम कर सकता है, हाँ 2 साल के लिए। अब सर इसमें भी दिक्कत निकाल दी आपने तो, टेन्योर जो फिक्स टेन्योर कर दिया उससे भी आपको दिक्कत होगी। मुझे नहीं भाई, लोगों को दिक्कत है। सीधी सी बात है, 2 साल तो हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। कैसे सर? मेरी मर्जी कैसे? फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। कैसे सर? फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। भाई वो सोचेगा मैं 2 साल के लिए हूं, लास्ट के 4 महीने में, 5 महीने में या 6 महीने में जो करना होगा कर दूंगा, तब तक आराम से बैठ के पैर पे पैर रखता हूं और बाकी चीजें देख लेता हूं। सैलरी आने दो 1.5 साल की, जब आ जाएगी तब काम करूंगा। नेक्स्ट, क्या कर सकता है? 2 साल के लिए सबका बाप बन सकता है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। 2 साल में जैसे काम करना है करेगा, क्यों इन्फॉर्म करेगा? इसीलिए क्या हो सकता है, लेस अकाउंटेबल हो सकता है। समझ आया? नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा इसी के अंदर है, क्या है, क्या कह रहे हैं जरा बताएंगे, या मैं ऐसे ही अंडरलाइन कर रहा हूं? हाँ, लेकिन कहाँ आ गया?
सिविल सर्विस बोर्ड के पास, सिविल सर्विस बोर्ड के पास से भी कहाँ जाएगा, सीएम के पास। पॉलिटिकल हेड कौन होगा, सीएम होगा, सीधी सी बात है, लास्ट में वही चली गई। ब्यूरोक्रेट्स फील आज टू गो द कोर्ट्स फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस इन द लेटर एंड द स्प्रिट। अब लास्ट में वही है कि फिर से घूम फिर के सीएम के पास चला गया तो फिर से कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर क्या बोल रहे हैं आप, इसीलिए मैं पंजाब में गया था। इसीलिए मैं पंजाब का आईएएस ऑफिसर बना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। पानी लेके आओ। हाँ हाँ चलो। कितने बजे सोते हो? 11। उठते कितने बजे हो? 3 बजे। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कॉलेज किया है यहाँ की? खाते पीते हो या नहीं खाते? ऑक्सीजन से, सॉरी हवाओं से काम चल रहा है? मुझे 2.5 घंटे में 2 बार भूख लगती है पढ़ाते पढ़ाते। कुछ खाया करो ताकि बॉडी में एनर्जी रहे। सुबह सुबह जूस वगैरह पी के आया करो बेटा। क्या लिखा है भाई एक बार ये बता दो। हाँ हाँ मेरी नहीं है ये, न्यूज़पेपर की रीडिंग है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। बताना पड़ता है, तुम लोगों को समझ नहीं आती कि सर ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते, बहुत सिंपल करते। लास्ट में क्या लिखा है इस ब्लू वाली में? फिक्स टेन्योर है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोवाइड, हाँ तो ये तो सर पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ वही चीजें हैं, लेकिन ये न्यूज़पेपर में आई थी इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। अरे सर ये क्या आ गया, ये क्या होते हैं? नादान परिंदो, मूर्खो, हमने क्या पढ़ा है? पढ़ा? ये सेज की प्रॉपर्टी है। हाँ ये स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था। वैसे ही हमारा एसी वाला हमसे भाग रहा है, 10 बार फोन करते हैं तो 1 बार उठाता है। उसको बोल दिया भाई 2 एसी लगाने, आया ही नहीं अभी तक।
देखिए जैसा सेंटर में था ना वैसा ही पीएफपीआई कहाँ होगा, स्टेट में होगा, सेम वही काम है, बिल्कुल डिटो वही काम है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ा तो स्टेट में क्या है, चीफ सेक्रेटरी है या नहीं? इसके बराबर कौन पढ़ा था, इसके बराबर सेंट्रल सेक्रेटरी जिसमें पीएफपीआई पढ़े थे, वही सेम फंक्शन है, वही मिनिस्ट्रीज के काम के लिए सारी चीजों के लिए वही फंक्शन होगा। वही ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज मेड इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ द टास्क मिनिस्टर्स एंड नो मिनिस्ट्री कैन बी डन स्मूथली विदाउट द सपोर्ट ऑफ सेक्रेटरीट एंड यूनियन एज वेल एज द स्टेट लेवल। सीधी सी बात है, क्योंकि सारी चीजें इनको भी पता है, बनाने वाले लिखने वाले को भी पता है कि भाई सेंटर में सारे और स्टेट में सारे जितने भी मिनिस्टर हैं भाई मूर्खों की सरकार भर्ती कर रखी है हमने, अनपढ़ जाहिल गवारों की सरकार इकट्ठी कर रखी है, तो उनके लिए कुछ पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो उनको बता सके। उनको हाथी के ऊपर वो नज करता है, देखा है, हाथी को जब चलाता है तो अपनी एडी से उसको मारता रहता है और हाथी उसी के अकॉर्डिंग चलता है इधर उधर। हाथी भी जब बच्चा, हाथी का बच्चा होता है उसको सूंड से नज करता है कि इधर जाना है। हाँ देखा है कभी? तो आईएएस ऑफिसर भी क्या करते हैं, इन मिनिस्टर्स को लात मारते रहते हैं कि इधर जाना है। तो लात खाते खाते थक गए भाई, कभी तो लात मारो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी आ जाइए। क्या सर, मिनिस्टर सेक्रेटरी और पीएफ पीआई मिनिस्टर वही आ गया, आया नहीं? नहीं सर, पता नहीं कहाँ आ गया। अरे सेंटर में हमने देखे थे मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी होते हैं, एक पॉलिसी फॉर्मेशन करेगा, दूसरा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेगा। भाई ये वही तो सिस्टम है यार, वहां डायरेक्टर बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? हाँ या नहीं? तो डायरेक्टर होगा यहाँ पे भी, सारी चीजें वही होंगी, वैसी ही होंगी, सारा सिस्टम एज इट इज है जो सेंटर में रखा है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी में मत लिख देना सेंटर में लिखा है वैसा ही है, स्टेट सेक्रेटरीज में वैसा ही है जैसा सेंटर में है। की पॉइंट्स पे आ जाइए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है सर, पहला देखिए, मिनिस्टर सेक्रेटरी मतलब मिनिस्टर के काम करेगा, कौन से काम, पार्लियामेंट से रिलेटेड, पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, सेक्रेटरेट, डायरेक्टरेट। तीसरा क्या है, पॉलिटिकल हेड, पॉलिटिकल हेड कौन होगा इनका, सीएम होगा, सीधी सी बात। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, हाँ पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, कहीं तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, थोड़ा सा नीचे कर दूं, नीचे क्या मिलेगा? तो मतलब मैं ऊपर मैं नीचे, क्या बोल रहे हो भाई, खाना खा के आए हो, खा के आया करो भाई, ये कंफ्यूजन ना रहे। हाँ पढ़िए जल्दी से पढ़िए और बताइए, फिर 25 पैसे दूंगा मैं। आज के दिन 25 पैसे मिलते नहीं है। बच्चों को दिखाने के काम आएंगे, बेटा हमारे जमाने में था 5 पैसे चलते थे। हाँ कौन सा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन सा, स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी।
चीफ सेक्रेटरी भाई अलग होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा वो, ठीक है, सबका हेड हो सकता है वो, लेकिन स्टेट सेक्रेटरी पीएफ पीआई का मेनली होता है, एक ही सेक्रेटरी होगा। जैसे सेंटर में हमने देखा था, उस सेक्रेटरी के अंडर कुछ आईएएस ऑफिसर इधर काम कर रहे हैं, कुछ डेप्यूटी सेक्रेटरी ज्वाइंट, उसके बाद डायरेक्टर, ये सारे अंडर सेक्रेटरी, ये सारे काम करेंगे, एज इट इज काम करेगा। इसीलिए बोला मैंने कि ढूंढो मिल जाएगा। सेंटर वाला अगर याद होता तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पर याद ही नहीं है सर, पढ़ेगा कौन, 2 दिन पहले करवा दिया, हम भूल गए। स्टेट सेक्रेटरी इज द टॉप लेयर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इज प्राइमरली मेड टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग एंड डिस्चार्जिंग द लेजिस्लेटिव फंक्शन। इट ऑल्सो एक्ट एज द मनी एंड क्लियरिंग हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी, एज ए मेमोरी एंड ए क्लियरिंग हाउस preparatory to the certain type of decision and as a journal supervisor of executive action. किस किस के चीजों का काम कर रहा है, किस किस का काम कर रहा है, बताइए जल्दी से सर। हाउ, घर साफ करने का काम करेगा। दूसरा सर, घर साफ करना पहला काम होगा इसका, सुबह उठते ही घर साफ करे। दूसरा सर, नाश्ता बनाए। तीसरा, कपड़े धो दे। चौथा, बाजार से सब्जियां ला दे, खाना भी बना दो, घर का नौकर नहीं है, आईएएस ऑफिसर है, क्या काम करेगा भाई, बताइए जल्दी बताइए। एज ए मेमोरी एंड द एंड ए क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, घर साफ करना, तो हाउस कहाँ होगा भाई, स्टेट में भी हाउस होते हैं या नहीं होते, असेंबली के जो फंक्शंस है, मीटिंग्स हैं, वो सारी कौन देखेगा, यही तो देखेगा, आया नहीं कि कहां से कौन सी रिकमेंडेशन आई है, उस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए। स्टेट की पॉलिसी होती है, स्टेट की स्कीम्स होती है या नहीं होती, वो चीज है। हाँ, अप्रूवल भी करेगा, बना के भी देगा, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी टू सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजन एंड एज ए जर्नल सुपरविजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शंस। भाई हमने सेंटर में भी देखा था, जो पॉलिसी बना रहा है भाई, एक और ले आओ ना, उछल रहे हो दोनों, कभी इधर को कभी उधर, मोटू पतलू। देखिए क्या कह रहा है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजंस होंगे जिनको ये क्या कर सकता है, कुछ ले सकता है, और उनके ऊपर सुपरवाइजरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब पॉलिसी जो फॉर्मेशन वाला है, वही तो पॉलिसी जहां इंप्लीमेंटेशन हो रही है उसके ऊपर निगाह रखेगा, हाँ या नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब हम घर बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट तो बना देगा उस घर को, किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, आपके अकॉर्डिंग बनाएगा ना। आप जाके देखोगे कि जो जो चाहिए था आपको उस घर में या उस रूम में पूरा हुआ है या नहीं, हाँ या नहीं। तो यही तो काम है स्टेट सेक्रेटरी का, क्या कहा, कुछ पॉलिसीज होती है स्टेट बेस्ड, उनको बनाएगा और उन्हीं पॉलिसीज को सुपरवाइज करेगा कि वो किस तरह काम कर रही है, किस तरह नहीं कर रही है, ठीक है। ये कीवर्ड्स लिखते जाओ भाई, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, कीवर्ड्स जहां पे भी आते हैं कीवर्ड्स को नोट करते जाओ, ताकि आप जब पढ़ो तो एटलीस्ट याद हो, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाए। ये कीवर्ड्स बाहर निकाल के लिखे, इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आंसर राइटिंग होगी उसमें मुझे ये कीवर्ड्स नहीं मिले ना, उल्टा लटकाऊंगा सबको, हर जगह मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं। चार पांच घंटे लैपटॉप पे बैठने के बाद में आंखें चुंधिया जाती हैं, दिखता नहीं है लैपटॉप में क्या है, और फिर सुबह आते ही तुम्हें यहां पे उछलना शुरू हो जाता है बंदर की तरह,
सुबह से शाम 7 बजे तक तो उछलते रहो। हाँ कृष्णा को कहे भाई पानी ला दे तो ऐसा लगता है वो बाल्टी उठा के लेके आ रहा है। आधी बार तो वो 9-10 बजे तक तो गायब हो जाता है, पता ही नहीं, बिना बताए चला जाता है। उसको पता है हाँ ये अब नहीं रुकेगा तो चला जाता हूं मैं। वो भी बेचारा मेरे से परेशान हो गया। इसका फंक्शंस देखिए, फंक्शंस वही हैं एज इट इज सेंटर वाले फंक्शन है, कोई ज्यादा चीज नहीं है, एज इट इज सेंटर वाले। देखिए पॉलिसी मेकिंग था पहले भी सेंटर में, उसके बाद लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने में, रूल्स रेगुलेशन बनाने में, ठीक है हाउस कैसे चलेगा वो सब, कोऑर्डिनेटिंग द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, सुपरविजन उनका, ठीक है बजटिंग एंड कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट क्या है मेंटेनिंग द कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन, ये एक अलग है, ओवरसीइंग द स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड द इनिशिएटिंग द मेजर्स टू डेवलप ग्रेटर ग्रेटर पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉम्पिटिशन हो, ये इस चीज का ध्यान रखेगा और वो भी गुड कॉम्पिटिशन, नॉट बैड। नेक्स्ट ये आ गया आपका इसके कीवर्ड्स। सर इसके कीवर्ड्स क्या है, ये वही सेंटर वाला उठा के रख रखा है एज इट इज, लेकिन इसके कीवर्ड्स क्या है, पीएफ वर्सेस पीआई, ठीक है ये क्यों बेटर है, क्योंकि सेंटर में भी हमने इंप्लीमेंट किया है, एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, ऑपरेशनल फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ताकि वो अच्छे से सोच सके, वो सारे डायमेंशन देख सकता है। अगर वो पॉलिसी सिर्फ फॉर्मेशन करेगा, कौन सा सिस्टम है, स्प्लिट सिस्टम है, कहां से लिया है, स्वीडन से लिया है, वेरी गुड, ठीक है फॉरवर्ड लुकिंग ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, जिस चीज के लिए पॉलिसी बना रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टरेट डिसइंटीग्रेटेड, ऑब्जेक्टिविटी बैलेंस्ड अप्रोच, एग्जीक्यूटिव फ्रीडम एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब पढ़ लिया, मैं वही तो बता रहा हूं एज इट इज सेंटर की उठा के रखी है, एज इट इज सेंटर की उठा के रखी है, आप पढ़ोगे नीचे तक सेम है, सब कुछ सेम है, यहां देख लो इस कीवर्ड में आपको पता लग जाएगा इन्हीं से कि सब कुछ सेम है। आगे चलिए वही चीजें हैं, वही आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यहां चलिए यूनिक फीचर ऑफ द सेक्रेटरी सिस्टम इंडिया हैज बीन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू सॉरी बिटवीन इट्स टू कंपोनेंट कंपोनेंट और पार्ट, लाइकली द ट्रांजिटरी कैडर ऑफ ए फ्यू सुपीरियर ऑफिसर एंड ए परमानेंट ऑफिस, क्या होता है अरे आप कहाँ जाओगे, आपका ऑफिस परमानेंट होगा फिर। हाँ मिनिस्टर का ट्रांजिटरी होता है, ऑफिसर इन ईच डिपार्टमेंट बिकॉज दे होल्ड द टेन्योर पोस्ट कम एंड गो। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अभी तक नहीं कराया हो, एक बार देखो और बताओ मुझे। आज तो क्या बात है भाई, काफी दिनों में दिखाई दिए।
अच्छा अच्छा ठीक। इन्होंने क्या कहा, टेनर सिस्टम को कंप्लीट किया जाए, परमानेंट एलिमेंट किसके, पीएफ और पीआई के, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कुछ पावर दी जाए, और पावर दी भी गई है। अरे रे 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 रे। कौन उठाता है? आईएएस ऑफिसर। कैसे उठाता है ये देखिए, क्लर्क रूम नहीं, ये सारे कैबिनेट के काम है, वहां से जो जो फाइलें आ रही हैं उनको चेक कर रहा है। अब इनमें से भी कुछ फाइलें हैं वो क्या करेगा, खुद रीड करेगा, क्लर्क रूम तो है। परमानेंट वाले खड़े रह जाते हैं, बाकी आते हैं जाते हैं, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, बोझ तो हम ही उठाते हैं। ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। क्या है सब स्टेट एजेंसी एंड, ये आपको लिखना है सर। बहुत दिन हो गए मुझे बोलते बोलते कि क्वेश्चन लिखना शुरू करो, आज तो आपको लिखना है। देखो मत, लिखना है इसको, उतारो, कल मुझे चाहिए। आप रहने दो मैम, आप रहते, हाँ ट्राई कर लो फिर। डू वी नीड ए चीफ सेक्रेटरी इन टूडेज पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरमेंट ऑफ द स्टेट? ब्रिज बालाजी मुझे आपका भी चाहिए। चाहिए हमें या नहीं चाहिए? सर आजकल क्या बात है, इस चीज का बड़ा प्रचार कर रहे हो, नहीं कर रहा भाई। चलिए पढ़िए क्या है। लिख लो इसको, लिख लो जल्दी से। सर थोड़ा सा तो हमें आइडिया इसी चीज से हो गया कि जो आपने बोला है उसमें क्या लिखना है। हुआ मैं आज बच्चों का काम आसान कर देता हूं, लेकिन अभी टफ भी करने वाला। कैसे सर, अभी देखो। चले नहीं रुकिए, एक दो दिन में क्लास में और भी बच्चे बढ़ने वाले हैं, अंदर चार पांच बच्चे और आएंगे। ये क्यों पूछ रहा है भाई सुबह सुबह, हाय हाउ आई कैन हेल्प, सुबह सुबह अपने आप ही पूछ रहा है। समझ लगे ना? चले ढाई पेज भरने हैं, चलिए चले। अरे वाह,
emergence of extra constitutional office like the advisor advisor to the CM who is the discharging most of the functions of the chief secretary. ठीक है, next क्या कह रहे हैं, politicization of the office, कौन से office का, chief secretary office का, often there is charge of the chief secretary with the change in the government, change in the chief secretary, जैसे government बदलेगी बेटा तू भी गया. मैंने क्या कहा था, जब तक सीएम तेरा नाम रहेगा, जब तक सीएम रहेगा तब तक चीफ सेक्रेटरी तेरा नाम रहेगा. बोला था सीएम चेंज, चीफ सेक्रेटरी चेंज. नेक्स्ट क्या करे, मिनिस्टर्स कैसा, लालू जैसा आ गया तो क्या करेगा, ए बुढ़बाक चल चारा खा लेगा, अब वो हजम नहीं हुआ इसीलिए जेल में है. मैनी कैपेबल एंड एजुकेटेड आर टेकिंग ओवर एज द मिनिस्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग द डिजिटल एवेन्यूज ऑफ द कम्युनिकेशन. द मिनिस्ट्रीज एंड द सीएम कैन डू द टास्क ऑफ द कोऑर्डिनेशन देमसेल्फ. खत्म. ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है. यार क्वेश्चन डाले थे, कौन सी स्लाइड में चले गए, रुकिए ना. ये तो मेरे साथ गड़बड़ हो गई. तो ये सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है, मतलब अगर आईएएस डीएम से रिलेटेड है वैसे तो. ठीक है, एक बात वो मैंने शायद अपन ने किया नहीं, छोड़ो उसको, चलो एक बार पहले ये कर लेते हैं, बाद में करेंगे. थर्ड नहीं सॉरी फर्स्ट स्टेट फर्स्ट उत्तर कॉम्बिनेशन था, फर्स्ट आंसर है उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. अब खुश हो जाओ, भगवान का नाम ले लो, सारे भगवान को याद कर लो, प्रसाद बांट देना. क्या बनने जा रहे हो, पहली पोस्ट, अभी तक तो बुढ़ापे में चल रहे थे, अब जवानी का आ गया. अरे वाह सर, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या बात है सर. इधर भी लिखा हुआ है, पहले तो यही पढ़ लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, कोई पूछ ले, इंटरव्यू में भी पूछ ले. मैं शायद दो से तीन बार मैं ही पूछ चुका, डीएम और डीसी में क्या डिफरेंस है, आया नहीं, नहीं पता सर. हाँ अभी देखते हैं सारे, इन्हीं तीनों नाम से आपको जाना जाता है. अरे प्रेजेंट में भी जी लो यार, थोड़ा सा फील कर लो इस चीज को, मैं फील करवाना चाहता हूं, आप कह रहे हो जाना जाएगा,
बेटा गांव में मेहनत नहीं होगी, प्रेजेंट में जो मेहनत करोगे, इस चीज को फील करोगे तो मेहनत होगी। इस चीज पे आपको गूज़बम्प्स आने चाहिए। इस गाड़ी को देख के यार ऐसी गाड़ी मिलेगी, वो तो आप पे डिपेंड है कि कैसी गाड़ी मिलेगी। टेबल के नीचे से कितना लेते हो और ऊपर से कितना आता है, ऊपर से तो वो तो फिक्स ही आएगा, टेबल के नीचे से कितना आता है और कौन सी गाड़ी मेंटेन करोगे, डीजल या पेट्रोल जो भी है और ड्राइवर है वो गवर्नमेंट दे देगी। अगर गाड़ी खुद की रखना चाहो खुद की हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट की रखना चाहो गवर्नमेंट की हो जाएगी, गवर्नमेंट दे देगी गाड़ी। अच्छा सर इतना कुछ करेगी, बेटा गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज कॉल्ड एज द कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑफिशियल एजेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। किसका हेड, किसका एजेंट है वो, स्टेट गवर्नमेंट का, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अरे सर स्टेट सेक्रेटरीट। सर क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिलोंग्स टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सर कैसे, क्या लिखा है इस चीज का, इस वर्ड का मुझे मीनिंग समझ नहीं आया। इस वर्ड का मुझे मीनिंग समझ नहीं आया, समझाओगे कोई। अरे भूल जाओ भाई पीएफ पीआई थोड़ी देर के लिए, बुढ़ापे में याद करना अभी। तीन चीजें एक ही जगह है, तीन चीजें एक ही जगह है, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी, आपकी जुडिशरी भी और आपका पैसे वाला जी है, तीनों चीजें एक ही दिख रहा है, तो इसीलिए आप कहां चले जाते हो, किसके अंडर चले जाते हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। कौन सी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। वो क्या है, दैट इज द स्टेट सेक्रेटरीट। पॉलिटिकली अभी देखा, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होगा, कौन होगा। सर एक चीज बताइए, मैं महाराष्ट्र कैडर, महाराष्ट्र नहीं चलिए मैं हरियाणा कैडर का हूं, मुझे कैडर मिला है हरियाणा का, ठीक है, मुझे दीदी बुला सकती है, मैं जा सकता हूं, सेंटर बोलेगा आपको यहां से यहां जाना है, सेंटर बोलेगा आपको यहां से यहां जाना है तो जा सकते हैं। वहां कौन सी पोस्ट मिलेगी, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट मिलेगी तो मैं जा सकता हूं। हाँ तो दीदी को मैं पसंद आ गया, अरे वैसे नहीं, कभी सोचो दीदी को मैं पसंद आ गया मतलब मेरा काम पसंद आ गया दीदी को, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जैसे मैं काम कर रहा हूँ वो दीदी को पसंद आ गया और उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप यहाँ आके काम करो, तो मैं वहां चला गया। लेकिन उन्होंने वहां मुझे क्या ऑफर किया, सेम आईएएस की पोस्ट नहीं, डीसी की पोस्ट नहीं, वहां उन्होंने मुझे ऑफर किया क्या, चीफ सेक्रेटरी। तो अब मैं चीफ सेक्रेटरी रहूंगा, जा सकता हूं, ठीक है। यहां से मोदी साहब ने मुझे ऑफर दिया, आ जाओ बेटा कैबिनेट सेक्रेटरी बना देता हूं, यहां छोड़ के मैं वहां भाग गया। समझ आया, तो मैं जा सकता हूं ऐसे। ये
ट्रांसफर होते हैं स्टेट के, अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका वो करेगा सीएम करेगा, ये चीफ सेक्रेटरी करेगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। अरे 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 क्या दिखा दिया सर, अभी भी देख के अच्छा नहीं लग रहा। ये आपकी वर्दी पे लगने वाला है, आपके ऑफिस में बड़ा सा चक्कर होगा आपके सर के पीछे। सर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है तो कहीं तो होगा ना ऑफिस में, मैं तो लगवाऊंगा स्पेशली कह के लगवाऊंगा, क्योंकि पावर इसी से मिलेगी। जब तक हेलो नहीं आएगा तो वो फीलिंग नहीं आएगी ना भगवान वाली, क्योंकि भाई डिस्ट्रिक्ट के राजा हो गए आप, राजा का मतलब समझते हो, सारी पावर्स आपके पास है। पहले हिस्ट्री भी देखेंगे इसकी, पहले एक बार ये देख लो, अभी बता दूंगा तो सारी वो फिर फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, कहानी का रोमांच, रोमांस जो है ना, रोमांचक कहानियां जिसमें रोमांच जो आता है वो खत्म हो जाएगा, क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं। ही इज एट द वन ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या कह रहा है, एज द डेप्यूटी कमिश्नर ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद द मल्टीफायर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट पंचायत एंड लोकल बॉडीज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की बात कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास क्या क्या कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ये लिख लो, डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के आगे सारी चीजें, कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, डेवलपमेंट पंचायत की, लोकल बॉडीज की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये इसके पास पावर होंगे। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया, कोई पूछता है तो पावर्स के साथ बताओगे, अभी आप पहले एज इट इज बता देते थे वो नहीं करना है। एज अगर मैं डीएम की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करूं, किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड हेडेड द पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जुडिशियरी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्या है, एज ए कलेक्टर अगर मैं बात करूं, ओए होए होए पैसे वाला सर, इसका तो नाम लेते ही हाथों में हरियाली आ जाती है, आंखों में भी। हाँ स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे सर, एक बार बनने तो दो, नेता क्या अपने आप को बड़े समझते हैं, हम सारे इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। आधे तो सोच रहे होंगे सर नोएडा में पोस्टिंग लेनी है या मुंबई में लेनी है। हाँ बुर्ज खलीफा कर दी, सही बात है सर, सोने का बेड होगा, सोने के बर्तन होंगे, सोने की गाड़ी होगी। अरे यहाँ क्यों रहेंगे आप, दुबई भाग जाएंगे, दुबई नहीं तो किसी अरब कंट्री में चले जाएंगे, किसी शेख को बोल देंगे भाई एक कुआ नाम कर दे अपना, साथ कुश्तें बैठी खाएंगी। यार है एक, कौन सी कंट्री का है वो, शेख है, उसका सारा घर ऑलमोस्ट सारी चीजें सोने की है, गाड़ी भी सोने की है उसकी। बहुत सारे शेख हैं, पीने के लिए पानी नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें मिलेंगी, खाने को भी सोने के फ्रूट खा लेते पर वो खाए नहीं जाते, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। रिवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द लैंड। अरे सर लैंड का भी कलेक्शन इसी के पास रहेगा, जुडिशियरी अथॉरिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट आल्सो हाईएस्ट रिवेन्यू जुडिशियल, मतलब लैंड से जुड़े हुए मामले
कौन देखेगा आपका? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये बात है सर। सर पटवारी किसके नीचे काम करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लैंड रिकॉर्ड वही रखा जाएगा सारा। और क्या क्या करता है सर? ही एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। भाई इस टाइम तो इनकी जान पे बनी होती है। इस टाइम तो ये आप इनकी माँ भी कॉल कर रही होगी ना, भगवान भी कॉल कर रहा होगा, बोले बेटा तेरा टाइम हो गया, रुक जा थोड़ी देर में, टाइम नहीं है बात करने का। असिस्टेंट कोई बोलेगा उठा के मना कर दे कोई भी हो, क्योंकि भाई बहुत बर्डन होता है इस टाइम पे। हाँ रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन वर्क। रजिस्ट्रेशन सर किसका रजिस्ट्रेशन करेगा? वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, जो कैंडिडेट वोट लड़ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन, सारी प्रक्रियाएं इन्हीं के अंदर होंगी। जो नाम देते हैं वो कैसे नाम देंगे, सारा कौन कौन नाम देगा, किस में क्या कमी है उसको निकालना, फॉर्म उनका फॉर्म रिजेक्ट करना जिस फॉर्म में कमी होगी, वो सारी चीजें यही देखेगा। एक्सरसाइज ओवरऑल द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो चीजें होंगी वो सारी कौन देखेगा? हम देखेंगे सर। यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। एज द डिप्टी कमिश्नर, आपके पास क्या क्या होता है डिप्टी कमिश्नर के? क्या क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, पंचायत, लोकल बॉडीज, ड्यू टू द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ हिज ऑफिस द डिप्टी कमिश्नर इज कंसिडर्ड टू बी द, अरे सर इस चीज को लिख लीजिए, मेजरिंग रोड ऑफ द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर होता है। डिप्टी कमिश्नर क्या होगा सर? बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसको ले जाके यहाँ कर देना। डिप्टी कमिश्नर को जब भी डिफाइन करो ये लाइन लिख दो, इस लाइन के ही आपको दो नंबर मिल जाएंगे। जागो मोहन प्यारे, हाँ लगवाएंगे। आज शशांक सर को बोलना शाम को 4 बजे क्लास है सर की, आज बोलना की रिक्वायरमेंट आई। हाँ तो मैंने कब मना किया है? कॉफी का टैप लगवाने के लिए, पिलाने के लिए नहीं। नेक्स्ट देखिए, द डेप्यूटी कमिश्नर हैज एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट अंडर हिज एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क ऑफ द क्रिटिकल स्टाफ एंड द गाइडेंस functioning in the different branches of his office. Sorry, clerical staff. किसका supervision करेगा? जो उसके नीचे हैं। भाई जाते जाके देखा होगा ना, कहीं पे भी चले जाते हैं, किसी को भी धमकाते हैं। आजकल YouTube पे भी है बहुत सारी videos कि गजब एंट्री दिखाते हैं और हम उस चीज को रिवाइंड कर करके बार बार देखते हैं। बाबा क्या बात है, इतनी धासु एंट्री, ये तो सिंघम को भी माफ कर रहा है। ये तो ट्रिपल आर में वो क्या नाम था उस हीरो का, वो अरे लॉयंस के साथ जाता है, हाँ उससे भी धासु एंट्री है सर। इसको तो मैं 10 बार और देखूंगा।
चाहे बनू ना बनू 10 बार और देखूंगा एज ए डीसी, अरे जिला कार्यालय, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला जयपुर, किसका था ये पहले? हाँ अभी वो उनका ट्रांसफर हो गया है, पहले किसका था? है? अरे नहीं टीना डाबी का नहीं था, टीना डाबी के एक्स का था। हाँ? नहीं नहीं हाँ जैसलमेर है, करंटली जैसलमेर में, अभी वो जैसलमेर गई है, डीसी और डीएम दोनों बनी है वो वहां की। चलिए आगे चलिए, डेप्यूटी कमिश्नर इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, इन द रेवेन्यू मैटर्स ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट थ्रू द डिविजनल एंड कमिश्नर एंड द फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू, ये सारे उसी को वो करते हैं। आपका कानून को और पटवारी दोनों इसी के अंडर काम करते हैं, लैंड रिकॉर्ड सारा यहीं पे रखा जाएगा। डिविजनल ऑफिसर एंड द डेप्यूटी कमिश्नर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिसर फॉर द मोस्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट रिवेन्यू स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक चीज को छोड़ के, सुपरिटेंडेंट कौन से? डेप्यूटी कमिश्नर को छोड़ के बाकी सारे काम यही देखेगा, सारे रिवेन्यू के काम यही देखेगा, ठीक है, क्योंकि डेप्यूटी कमिश्नर खुद इसके नीचे काम करता है। हाईएस्ट रिवेन्यू जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब पैसे का लेन देन के या पैसे का जो भी झगड़ा होगा कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है सर? फॉर्च्यूनर, अरे यहाँ देख लो, पहले सपने मत देखो। नहीं नहीं सर, 2 मिनट गाड़ी को निहारने दो, थोड़ा सा और ऊपर कर दो, जो लार्ड बोर्ड है वो भी दिखना चाहिए हमें, उसी की तो वैल्यू है। सर बत्ती क्यों हटा दी? बत्ती से और भी अच्छी लगती। भाई यहाँ देख लो ना, बत्ती क्यों देख रहे हो? तभी तो बनोगे, यहाँ आ जाओ। He is the responsible for maintenance of the law and order. कौन कर रहा है ये law and order maintain? District magistrate. Law and order maintain करेगा in the district. He is the head of the criminal administration and supervise the all the executive magistrate in the all district and control the directs and directs the action of the police. किसको control करेगा? Police को order देगा, law and order maintain करेगा। पहला लिखा DC का काम लिखा, district collector का, उसके बाद कौन था? Commissioner लिखा उसका काम, अब district magistrate आया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या है? लो एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, उसके बाद पुलिस को कंट्रोल करना। ही हैज सुपरवाइजरी पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जेल्स एंड लॉकअप्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्या कह रहा है? सबको, जेलर को भी ये सुपरवाइज कर सकता है। इसके अलावा यहां देखिए, ही प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेप्यूटी कस्टोडियन अंडर द डिस्प्लेस्ड पर्सन कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 1954। डिस्प्लेस्ड पर्सन को भी ये क्या करेगा? माइग्रेटेड जो पर्सन है, ठीक है, उनको भी ये क्या करेगा? देख रेख करेगा, उनकी रैन बसेरा बना के देगा। क्यों सर ऐसा क्यों है? रैन बसेरा ये क्यों बना के देगा? क्योंकि हम क्या है? वेलफेयर स्टेट है, हम वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सर? आगे आ जाइए,
नेक्स्ट क्या कह रहा है? अरे सर, इन हिज कैपेसिटी हिज ड्यूटी आर रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, ये कौन होता है? इसके सबोर्डिनेट होते हैं, उनका तो फैसले को रिव्यू कर सकता है ना, तहसीलदार के फैसले को रिव्यू कर सकता है, इसीलिए तहसीलदार के फैसले को रिवाइज कर रहे हैं। एंड ऑफिसर इन चार्ज रूरल रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ लैंड हाउस इन द रूरल एरिया रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेंट ऑफिसर रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ हाउस एंड स्कोप अंडर द एरिया एंड द डिस्पोजल ऑफ द कीज रिसीव्ड फ्रॉम द असिस्टेंट कस्टोडियन। क्या कह रहा है? अगर मान लो म्युनिसिपैलिटी ने किसी को घर दे दिया और उस घर में कोई भी डिस्प्यूट आया, कौन देखेगा? पंचायत में कोई भी डिस्प्यूट आया, पंचायत के गांव से कोई लैंड का कुछ आया, यही देखेगा, क्योंकि तहसीलदार रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो तहसीलदार ने जो वर्डिक्ट दिया उसको भी चेक कर सकता है ये सही है या नहीं है। क्लियर है? कौन देखेगा ये? आपका डीएम देखेगा। एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको ये करने होते हैं, सारा काम करना होता है सर, जो भी होता है। अभी जो हमने पढ़ा वो सारी चीजें मैंने एक ही जगह लिख दी है, जमींदारी हटानी है, लैंड किसी को ओवर राइड नहीं करने देना है, ऑर्डर मेंटेन रखना है, टैक्स लेना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें करनी है, क्योंकि आप वहां के क्या हो? राजा हो। जल्दी से पढ़ो एक बार इसको, सरसरी निगाहें डालो इस पे। सर कौन सी निगाहें? मतलब ओवरलुक करो इसको। ये सारी चीजें पढ़ी है ना अभी या नहीं पढ़ी है? अभी देखी है सारी चीजें। ब्रजवाला जी कुछ समझ आ रहा है? आप तो पुलिस में, आपको तो बेटर पता होगा। ऊपर से थर्ड लाइन ट्रांसपेरेंट पनिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है भाई? आप कुछ गलत कर रहे हो, मान लो कानून को ही गलत कर दे, पटवारी कुछ हेरा फेरी कर देता है, किसी की जमीन किसी के नाम पे चढ़ा देता है, उसको पनिशमेंट कौन देगा? हाँ, अगर मान लो किसी इंक्वायरी में आपको फॉल्टी पाया गया, तो जो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा उसमें आपका डीसी भी तो बैठेगा। पढ़ लिया? ठीक है। कुछ लगे आपको कि लिखना है, नोट करना है, तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना, मना ही है, नोट कर लेना कुछ लगे तो। हो गया? संगीता मैम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब ये जो रेड लाइन में है इसको जरूर नोट कर लेना। क्या सर? क्या है सर? इसके तो हमने पहले भी पढ़े हैं। खेड़ा साहब, खेड़ा साहब बहुत कुछ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास किसकी पावर होती है? कौन सी पावर होती है सर? पता नहीं कौन सी पावर होती है। अभी सारी चीजें पढ़ी हैं हमने, वही सारी चीजें लिखी हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो बीच में है,
खेरा साहब की हमने कोट नहीं पढ़ी, इस कोट को आपको कोड करना है और इसको लिख लीजिए। अरे सर बहुत सिरदर्दी है, क्यों है सर? क्योंकि अगर कहीं दंगा हो गया तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, कहीं रोड ब्लॉक हो गया तो लोगों को समझाने आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और कुछ हो गया तो भी आपको जाना पड़ेगा, कोई अनशन पे बैठ गया तो भी, बाबा ऐसा नहीं करते यार, समझो आपकी सेहत का सवाल है, मैं कर दूंगा ना, मैं बात करता हूँ, ये करता हूँ मैं, वो करता हूँ, बाबा देखो ऐसा देखो, बाबा वैसे देखो, बाबा अपने बच्चों को देखो, बाबा मुझे देखो, बाबा पड़ोसियों को देखो। अब उसको किसी न किसी तरीके से मनाना है। अब वो मान गया तो ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह वापस आओगे, अगर नहीं माना तो फिर आप छोटा सा मुंह लेके वापस आओगे, यार वो तो नहीं माना, लेकिन जाना आपको ही पड़ेगा। जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है अभी कोविड के टाइम पे, 144 लगाया वो किसने लगाया? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, रिड्यूस द क्राउड, 144 लगा दिया हमने। हाँ, वन गुड़गांव में लग गई थी, रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में। सीआरपीसी में दिया हुआ है, लेकिन इसका 144 जो वो मिनिस्ट्रियल ऑर्डर निकलता है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, उसको पढ़ना होता है कि कितने लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि वहां जहां पे 144 लगी आप दो इंसान खड़े ही नहीं हो सकते, दो इंसान खड़े हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर है किस वे में उसने ऑर्डर निकाला है। ऐसा नहीं है कि सर हम पांच लोग खड़े हो गए तो वॉयलेशन हो गया, नहीं, कोई वॉयलेशन नहीं है। कंडीशन ये होती है सबसे पहले कि आप दंगा नहीं भड़का रहे हो, आपके पास कोई हथियार ना हो, लाठी डंडे ना हो, पीसफुली अगर फैमिली के मेंबर हैं, कहीं जाना है तो जा सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि एक एक करके, एक अब निकल गया एक एक घंटे बाद निकलेगा, चाहे वो ट्रेन उतने बजे की हो लेकिन सुबह 5 बजे से निकलना शुरू हुए, दोपहर 10 बजे तक 5 लोग पहुंचे हैं, ऐसा नहीं होता के साथ निकल सकते हो। इसीलिए सीआरपीसी के साथ हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मिनिस्ट्रियल ऑर्डर पढ़ने पड़ते हैं कि भाई एक 144 कैसे लगती है और क्या क्या प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। अभी वो मजिस्ट्रेट बताएगा कि क्या क्या प्रोविजंस हैं और कौन सी कंडीशंस हैं। जैसे कोविड के टाइम में जो लगी वो कैसी थी कि हम लोग चाहे फैमिली के हो या कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में हम घर से बाहर नहीं जा सकते एक्सेप्ट फॉर द फूड एंड डेली एसेंशियल गुड्स। उसको लेने के लिए भी पूरा परिवार साथ नहीं जाएगा, कोई एक इंसान जाएगा। हाँ, दूसरा, अब ये अग्निवीर के टाइम में लगा, इसमें क्या था, आप लाठी डंडों के साथ नहीं घूम सकते, रेलवे स्टेशन पे तो आपकी एंट्री बैन है, लाठी डंडों के साथ या कोई ऐसा जहां पे आपका मतलब अगर किसी को लगा कि ये इंसान किसी भी तरह से दंगा भड़का सकता है तो उसको वो जेल में भी डाल सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। ये 144 के अंदर ही है। आप बोलोगे सर 144 के अंदर जेल में नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को जेल हो जाती है क्योंकि शक के बिना पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 144 में यहाँ पे जो अभी लगी थी अग्निवीर के टाइम पे वो यही थी कि आप कोई भी भड़काऊ चीज नहीं बोलेंगे, आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो किसी के ऊपर वार कर सके, ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए, आप खाली हाथ आराम से स्टेशन पे बैठो, कोई कुछ नहीं कहेगा।
दो लोग बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, तीन बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मेंटेलिटी वैसी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें पहला तो पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया, राइट्स, फिर एजिटेशन, कम्युनल, अदर डिस्टर्बेंस जो भी है वो सारी कौन डील करेगा, बाबा को भी डील, अगर बाबा अनसन पे बैठने वाले हैं तो भी यही जाएगा, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग अभी देखते हो लोग क्या करते हैं, उस बॉडी को रख के क्या करते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो कौन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सॉरी डीएम जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाएगा। ये क्या कह रहा है, सारे जो प्लान होते हैं, स्कीम्स होती हैं, उनके लिए भी कौन काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करेगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे एक, लिखा है भाई कैंपेनिंग, फैमिली प्लानिंग, ये सारी कौन करेगा। अब ये तो होगा नहीं, हम दो हमारे दस, ये तो आपको भी पता कहां बोला जाता है। आगे देखिए, he bring about the coordination between the various departments, some other executive duties of the DC are the rotating of, sorry, ration, ye kya hai, rationing of petrol, issuing of conducting of allotment of housing board, होता है हाउसिंग बोर्ड में जनरली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्या मिलते हैं, घर मिलते हैं, किसको कौन सा घर देना है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या करता है, कौन करता है, डीसी करता है, पेंशन वगैरह स्टाफ की ये सारी चीजें कौन देखता है, डीसी देखता है सर। सर पावर होती है इसके पास, जुडिशियल पावर, अभी तो कहा लॉ एंड ऑर्डर कायम करता है, लॉ एंड ऑर्डर रखता है, इसीलिए आपको कोर्ट में भी भेजा जाता है, जुडिशियल पावर भी होती है आपके पास, कुछ टाइम के लिए आपको वहां पे प्रैक्टिस भी करनी होती है, 6 महीने के लिए डेप्यूटेशन पे भेजा जाएगा कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, केस भी, केस की सुनवाई भी करेंगे आप, ताकि इन चीजों का एक्सपीरियंस आए। डीएम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के साथ साथ वो क्या करेगा, जुडिशियल ड्यूटीज भी करेगा, मतलब केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन ना करके वो जुडिशियल ड्यूटी भी परफॉर्म करेगा, रूल ऑफ लॉ को क्या करेगा, कायम करेगा, उसके बाद सुपरविजन द सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग दोज वर्किंग द ऑनरली, सॉरी ऑनरली ही कंसिडर एज द एक्विटल नोट जस्टिफाइड और ए पनिशमेंट इन एडुकेट ही मे एडवाइज द गवर्नमेंट टू फाइल एंड अपील टू द हाई कोर्ट। क्या कह रहा है कि भाई किसी को गलत सजा मिली है, जो भी हुआ है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था कि उसके अगेंस्ट गलत चार्जेस लगे हैं, उसको सजा भी मिल गई है, तो उसमें क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट को फाइल भेज सकता है दोबारा कि भाई इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में की जाए या इस केस की जांच दोबारा करवाई जाए, ये भी वो बोल सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जुडिशियल पावर हैव टेकन अवे फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। बहुत सारी पहले जुडिशियल पावर थी इनके पास, कौन सी, ऑलमोस्ट सारी पावर पहले डीएम के पास थी, लेकिन कुछ पावर ले ली गई, क्यों ले ली गई, मैंने एक चीज बोली एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्यूटली, पहले क्या था, पहले आजादी से पहले हम क्या थे, पुलिस स्टेट थे, पुलिस स्टेट क्या होता है, आज क्या है हम, वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट, ये पढ़े हैं कभी, ये बुक पढ़ी है, इस बुक में एक लाइन लिखी है कि इंडिया इज गवर्न्ड बाय आईसीएस,
इस बुक के अंदर एक लाइन है, उसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इज गवर्न्ड बाय आईसीएस, कि ब्रिटिशर्स गवर्न नहीं कर रहे, कौन गवर्न कर रहा है? आईसीएस। उनके पास ये था कि आपको डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल में रखना है, चाहे किसी भी तरह, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, चाहे किसी भी तरह रखो। इसीलिए सारी पावर्स किसके पास थी? एक डीसी के पास थी। आज क्या है? आज सारी पावर एक डीसी के पास है? नहीं है सर, आज सारी पावर किसके पास है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे दी, अलग अलग ऑफिसर्स को दे दी। पहले गवर्नर जनरल होता था, उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो किसी से बात करे, इसीलिए उन्होंने क्या अपॉइंट किया? आईसीएस, आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किए अपने नीचे, सारी पावर उसको दे दी। तू देख, सिर्फ मुझे फाइल भेज देना साइन करने के लिए, तब तक मैं आराम से घूम के आ रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, सुपरविजन ऑफ लोकल बॉडीज, पंचायत वगैरह को सब कुछ को देखेगा कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा। उसके अलावा हमने बात की थी डेवलपमेंट फंक्शंस, सारी डेवलपमेंट फंक्शन है, कहां क्या क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, सारी चीजें कि लोकल बॉडीज में एससी एसटी के लिए कुछ काम किया है, कितना ऊपर उठाया उनको, कितना नहीं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उनमें, क्या नहीं हुआ, सारी चीजें कौन देखेगा? यही देखेगा। कुछ पोस्ट निकलती हैं, हम बोलते हैं डीसी ग्रेड पे लगा, बोल देते हैं ना, वो पोस्ट किसके अंडर होती हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर वो पोस्ट होती हैं। वो क्या करता है? कुछ लोगों को हायर कर सकता है काम करने के लिए फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ टेन्योर। वो टेन्योर इनफ्लेक्सिबल होता है, कितना, 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी होता है, तो काम के ऊपर डिपेंड है वो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टर इज द रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन ऑफ टू द पार्लियामेंट्री एंड द विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एमपी और एमएलए के जब इलेक्शन होंगे तो ये क्या काम करेगा? सारा काम, सारी दुनिया का बोझ उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंसस में क्या काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट सेंसस करवाएगा, ही अपॉइंट द एनुमिनेटर, प्रोवाइड फॉर देयर ट्रेनिंग एंड द अरेंज टाइमली सप्लाई टू द फॉर्म, मतलब ये जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं वही करते हैं ना, उनको कौन अपॉइंट करेगा? यही करेगा। इलेक्शन के टाइम पे भी तो यही अपॉइंट करता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है, उनको बताता भी है इलेक्शन ऐसे करवाना है, ये होता है, मशीन ऐसे काम करती है, सारा सब कुछ बताता है, हर चीज समझाता है। मिसलेनियस फंक्शंस, और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं भाई, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं देखिए, पहला ही क्या लिखा है, अगर इसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है तो भी उसको क्या कर सकता है? इसके अंडर कुछ प्लेस नहीं किया, कुछ बाहर रह गया, उसको भी क्या कर सकता है? सुपरवाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ जेल्स, और उसके बाद रिमेन इन टच व्हाइल द वर्किंग ऑफ द, उसके बाद जनरल पॉलिसी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सच एज मैटर ऑफ द लोकल फेस्टिवल्स, जैसे अभी जगन्नाथ यात्रा थी तो उसके डीसी को या डीएम को बहुत उछल उछल के काम करना पड़ रहा था, दिन रात वहां पे लगे हुए, क्यों सर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहां पे पुलिस फोर्स मंगवाई जा रही है, सेंटर से पुलिस फोर्स मंगवाई जा रही है, आर्मी मंगवाई गई है, कितने आर्मी पर्सोनल की रिक्वायरमेंट है, कहाँ काम वो ड्यूटी देंगे, किसके पास कौन सी ड्यूटी होगी, क्या काम संभालेगा कौन, ये सारी चीजें भाई बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। और ऊपर से मिनिस्टर्स के फोन आते हैं कि बेटा ये हुआ या नहीं हुआ, मैं आने वाला हूं, मैं पहुंचने वाला हूं, उसके लिए भाई 10 लोग अलग से निकालो, कहां से वो लोग निकालने हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है।
ऐसे एरिया से निकाल दिया जहां दंगे भड़कने का ज्यादा डर है, तो वहां से वैसे दिक्कत हो जाएगी। अगर भड़क गए तो फिर जवाब देना भारी हो जाएगा कि भाई वहां से इतने पुलिस वाले तुमने निकाले ही। दोबारा से सर एसएस केयर आ गए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सर मुझे तो नहीं पता। टेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज एज टू हाउ क्विकली, हाउ वेल एंड इफेक्टिवली द होल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंपेराइजिंग ऑल इट्स वेरियस रेमिफिकेशंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड हार्नेस टू द एड ऑफ द पीपल। मतलब मुझे भी नहीं पता, जब तक आप नहीं बताएंगे। कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स ही क्या कर रहे हैं, सारी चीजें डिफाइन कर रहे हैं। एक अगर डिस्ट्रिक्ट में, सिंपल में बोलना चाहूंगा इसी चीज को, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत स्मूथली सारी चीजें हो रही है तो वो क्या है? एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। लो एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। पहले चोरी चकारियां बहुत होती थी, अब चोरी चकारियां कम हो गई है, मर्डर केस कम हो गए हैं, राइट्स कम हो गए हैं, लोग पीसफुली अपना काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? गुड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद यहां आ जाइए। अच्छा रुक गया भाई, रुक गया। नेक्स्ट फंक्शन यहां देखिए, जिसने लिख लिया वो ये पढ़िए। कई बार देखा होगा डीसी इनको बुलाता है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को बुलाता है, मीटिंग रखवाता है, उनको सम्मानित करता है, सम्मान देता है। ठीक है, कैंटोमिनेंट बोर्ड में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कैंट है तो वहां पे भी वो जाता है, उनके रूल्स पता करता है, क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे हैं, तो उनके भी वो देख रेख करता है कि आर्मी के जो रूल्स हैं वो ब्रेक ना हो। उसके अलावा किस किस अथॉरिटी को, मान लो अभी बिहार में था, हाँ झारखंड के अंदर एक ऑफिसर था। झारखंड में जब बाढ़ आई, पीछे जब बाढ़ आई थी 2018 19-20 के बात की बात है, लगभग 19 या 20 में वो बहुत पॉपुलर हो गया था, हीरो बना दिया था उसको। तो फ्लड के टाइम पे हर एक एजेंसी को कांटेक्ट करना किसका काम है? डीएम का काम है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेगा वो, फूड सिक्योरिटी वालों को कांटेक्ट करेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करेगा, हर चीज को। वहां से एड वो किस तरह मंगवाता है, ये किसका काम है? इसी का काम है सर। और क्या काम है हमारे, देख लीजिए और क्या क्या काम है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या होता है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सर एचआर तो सुना है, ये पब्लिक रिलेशन क्या हो गया? एचआर क्या होता है? क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स, बता तो दिया आपने। हाँ बोलिए। कुछ ऐसा ही करता है, हाँ या नहीं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा? डीसी करेगा या नहीं करेगा? देखेगा ना आपका राइट वॉयलेट नहीं हो। पता नहीं ढीले पड़े हुए हो आज तो तुम। मैंने आपको शायद एक चीज बताई थी,
कि स्टेट सबसे ज्यादा आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसी के लिए बनाए गए हैं और वही क्या करता है, उसी ने बनाए हैं, सॉरी उसी के लिए नहीं, उसी ने बनाए हैं और वही क्या करता है, वायलेट करता है। तो इन चीजों को छोड़ दो, कागजी चीजें हैं, कागजों में बहुत कुछ अलग लिखा है और लाइफ में बहुत कुछ अलग होता है, प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट। जब आप फील्ड में जाओगे तो ये चीजें आप फील करोगे कि जो पढ़ा था वो अलग है और प्रैक्टिकल चीजें अलग है। हिस्ट्री आई थिंक सो आज बहुत ज्यादा हो गया, हिस्ट्री कल कर लेंगे या हिस्ट्री आज ही करें, तुम्हारे चेहरे देख के पता चल रहा है कि आज ज्यादा हो गया। ठीक है चलो, वैसे भी 4 बजे क्लास है, मैं 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ फिर आता हूँ, हिस्ट्री भी खत्म करते हैं आज, डिस्ट्रिक्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ मैं, फिर आता हूँ।
हाँ ध्यान नहीं दिया किसके नाम का पेन है, सही कहा, क्योंकि बिना मंत्रों के डाला था ना, इसीलिए अब मंत्र उच्चारण अभी शुरू हुआ। देखिए ब्रिज बालाजी, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार आपको कि क्या कहा था इस टाइम, क्या कहा गया कि इसको सारी पावर दे दी गई, इसको सारी पावर दे दी गई कि जो भी पावर है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया गया, चाहे वो किसी भी तरीके की पावर हो, सारी पावर इसको दे दी गई, चाहे वो टैक्स की हो, पुलिस की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो। इसीलिए हंटर कहते हैं कि आज के टाइम से उनके टाइम में डीसी की पावर या पोजिशन क्या थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या कहता है भाई, ये चीज जो मैं रेड में लिखी हुई है, हमेशा मैंने आपको कहा है कि नोट डाउन करनी है, ये नोट डाउन किया, कर लिया, उसके बाद ये भी करना है आपको, नोट डाउन करना है। ठीक है, ये जब भी पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने लास्ट में, उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या कौन कौन क्या कह रहा है, हंटर क्या कह रहा है। आपको जब भी कोई ब्रिटिश इरा और आज के दिन में कंपैरिजन करना पड़े, सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे, उस टाइम के स्टेट से। हिस्ट्री में स्टेट क्या था, पुलिस स्टेट था, उस टाइम हमारे स्टेट क्या थे, पुलिस स्टेट थे, आज क्या है, वेलफेयर स्टेट है। इसीलिए उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने सारी पावर दे रखी थी कि जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना चाहो, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को चलाना चाहो वैसे चला सकते हो, आपको लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से कायम रखना है, यानी कि हमारी क्या रखनी है, इज्जत आबरू आपके हाथ में, कैसे भी चाहे मारो पीटो जला दो उसको, फेंक दो काट दो, जो भी करना है करो, सारी पावर हम तुम्हें देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कहता है साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग, वो तो हंटर के अकॉर्डिंग था, ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग, ही इज द एम्बॉडमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी इन विच ही ड्राइव्स फ्रॉम द स्टेटरी पावर इज ऑगमेंटेड बाय द क्या कह रहे हैं इस लाइन में, उसको पावर कहां से कौन में देगा, कैसे देगा, डिस्क्रिशन इन द मैटर्स वेयर ही एक्सपेक्टेड टू लीड, जहां पे इस स्टेटरी पावर भी दी थी, सारी पावर दे दी गई, इसके अलावा वो भी बोल दिया गया जहां तुम्हें समझ आए ना कि इस मैटर में मैं टांग अड़ा सकता हूं, वहां बेटा टांग नहीं अड़ानी, वहां कूद जाना है, सिर्फ टांग अड़ाने से काम नहीं चलेगा, कूद जाओ वहां पे, लीड कर दो, उसके पास क्या थी, इसके अलावा वास्ट नंबर ऑफ माइनर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कर सकते थे बहुत सारे, उसके अलावा सारे अवार्ड जो भी था, नॉमिनेशन जो भी होता था लोकल गवर्नमेंट में या जहां पे भी होता था, उसी की रिकमेंडेशन मानी जाती थी, किसको जमींदारी देनी है, क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्शन किसके हाथ में देना है, क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें सब कुछ इसी के ऊपर था। Grant seats at the ceremonial function such as the दरबार, दरबार भी लगाता था वो उस टाइम, आज दरबार कौन लगाता है, जुडिशरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है, तो सारे ऑफिस ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ऐसे तो जुडिशरी लगाती है, लोक अदालत जिसको हम बोलते हैं, लोक अदालत दरबार। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या काम करते थे, जो भी काम कर सकते हो भाई, सर की उपाधि दी थी, किसको दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर को, वो किसकी रिकमेंडेशन पे दी थी, इसी की रिकमेंडेशन पे, आईसीएस की रिकमेंडेशन पे दी थी, यानी किसी को इंडियन को भी कुछ मिलना होता था ना, वो भी इसी के रिकमेंडेशन से मिलना था, ये होली रेस्पॉन्सिबल था कि किसको क्या करना है, कितना उठाना है, कितना गिराना है, कहां से गिराना है, सब कुछ कौन करेगा, एक आईसीएस ऑफिसर करेगा ब्रिटिशर्स के राज में।
इसीलिए इसको लोग क्या बोलते थे, माई बाप बोलते थे, ब्रिटिश राज में माई बाप बोलते थे। सुना है माई बाप वर्ड? नहीं सुना? सच्ची में माई बाप बोलते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा। लिख लेना थोड़ी देर में लिख लेना, अभी छोड़ दो इसको, मैं खत्म करने वाला हूं बस। ये देखिए, ये उस टाइम का एक डीसी बैठा हुआ है, आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? रियर। रूलर का मतलब क्या होता है? आज के दिन हम ये वर्ड यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि उस टाइम में रियल का राजा था, एक डिस्ट्रिक्ट का राजा आईसीएस ऑफिसर था। आईसीएस ऑफिसर क्या होता है? उस टाइम क्या था? आईएएस नहीं था, आईसीएस था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज होता था। तो रियल का राजा था, रियल का राजा जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे छोड़ दे, जिसको जो बनाना चाहे बना सकता। वायसराय के पास क्या जाती थी? सिर्फ फाइल जाती थी। वायसराय बिना पढ़े उस पर ठप्पा लगा देता था, क्योंकि वो तो सारे दिन नशे में धुत रहता था। कोई भी आया, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी लेके जाता फाइल सीएम के पास, क्यों? सिर्फ ठप्पा लगवाने के, आप साइन कर दो। वो नहीं होगा तो ऑफिस में स्टैंप रखी होगी, लगा लिया, साइन हो गए, पास कर दिया, चल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है? पीएम सीएम डीएम जितने भी हैं, सारे सबकी रीच से बाहर थे। गवर्नर जनरल के पास कोई नहीं जा सकता था उस टाइम, तो लोग कहां जाते थे भाई? डीसी के पास जाते थे। उस टाइम के आईसीएस ऑफिसर के पास जाते थे अपनी शिकायतें लेके, वो शिकायतों का निपटारा करेगा। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? सॉरी, ये हो गया यहां से। क्या लिखा है सर? नहीं पता क्या लिखा है, बताइए। थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, राजा होता है वो अपने आप कोड़ी, जिसको माहे चाहे छोड़ दे, जिसको चाहे मार दे। अब तेरा क्या होगा कालिया? कालिया का कुछ नहीं सरकार, हमने आपका नमक खाया है, तो चलो छोड़ देते हैं, गोली नहीं मारते। तो ये जिसको चाहे छोड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज विम्स एंड कैप्रिज काम करेगा ये। उसके अलावा क्या है? हर एक स्टेप के ऊपर लोगों को इसकी जरूरत होती थी, क्यों? सारी शिकायतें यही सुनता था। उसके अलावा लोगों को जरूरत क्यों होती थी? क्यों होती थी? क्योंकि उनके घरों को, उनके अधिकारों को, उनके हेल्थ के लिए सेवाएं जो देनी है, सब कुछ कौन प्रोवाइड करवा रहा है भाई? अगर डीसी के साथ बिगाड़ लिया तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ बंद कर देगा, खाना पानी हुक्का पानी सब कुछ बंद कर देगा। इसीलिए रियल रूलर कहा जाता था इसको। आगे क्या है? ये क्या करता था? ब्रिज का काम करता था। किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स यानी कि गवर्नर जनरल और पीपल्स के बीच में। किसका काम करता था? वाइडर गप बिटवीन हिम एंड द पीपल। ही वाज द, ये क्या होता है सर? ऑटोक्रेटिक, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, अरे
ये क्या होता है? हार्ट्स रूल, ठीक है। उसके बाद ऑटोक्रेटिक, ये क्या होता है? सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर। डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेटिक, समझ आए? उसके बाद आ जाइए, ही वॉज द मास्टर एंड मास्टर ए रूलर एंड नेवर ए, ये चीज आपको मार्क कर लेनी है, ये चीज मार्क कर लेनी है। एज ऑलरेडी सेड, क्या बोलते थे? माई बाप बोलते थे। क्यों बोलते थे? हुक्का पानी सब कुछ यही देगा बेटा, ऑक्सीजन भी इसी के गारंटी से मिलेगी। जिस दिन इसके साथ बैर किया उस दिन नमक की जगह गोली का। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं? ओमनीपोटेंट मतलब ये उस टाइम की भाई जनसंख्या है, ये उस टाइम की जनसंख्या है। यूबीक्यूटेनियस जिसको हम बोलते हैं, सर्वव्यापी। भगवान के लिए हम बोलते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे भी वो वर्ड यूज किया ब्रिटिशर्स टाइम में कि वो क्या है, ओमनीपोटेंट है। समझे गए नहीं? अब आ जाते हैं, ये तो आजादी से पहले का था। अब सोच रहे हैं सर आजादी से पहले ही आईएएस ऑफिसर बन जाते, इतनी पावर थी तो, है ना? आजादी के बाद क्या हुआ हमारे साथ? आजादी के बाद हमसे पावर ले ली, लेकिन लेकिन ऐसा समझा गया, ऐसा अभी भी समझा जाता है, यू आर स्टिल द माई बाप। क्यों सर ऐसा क्यों समझा जाता है? अभी भी लोग अपनी ग्रेवेंसेस लेके कहां आते हैं? आपके पास आते हैं, डीसी के पास आते हैं, कुछ भी हो गया डीसी के पास चलो भाई, ज्ञापन लेके आते हैं आपको, ज्ञापन सौंप के जा। ज्ञापन क्या होता है? हिंदी का वर्ड है बड़ा अच्छा, कि ये डिमांड है, लेटर ऑफ डिमांड्स, उसी को हम ज्ञापन बोल देते हैं। गोपनीयता क्या होती है? सीक्रेसी, प्राइवेसी, सीक्रेसी। तो डीसी शपथ लेता है वो किसकी लेता है? सीक्रेसी की भी लेता है। कैबिनेट सेक्रेटरी सीक्रेसी की भी शपथ लेता है, चीफ सेक्रेटरी सीक्रेसी की भी शपथ लेता है। अब आ जाइए यहां पे, यहां से पढ़िए। दरबार सिस्टम यहां से ले लिया गया, दरबार सिस्टम इससे ले लिया। दरबार सिस्टम लोगों की ग्रेवेंस, लोगों की चीजें सुनना और लोगों को बुलाना, समस्याएं सुनना, उनको समस्याओं का समाधान करना, ये किसको दे दिया? जुडिशियरी को दे दिया। सर क्यों दे दिया? क्यों दे दिया जुडिशियरी को? इसके पास क्या दिक्कत थी? जुडिशियरी को हमने भाई, जुडिशियरी को बिल्कुल अलग रखा है। क्यों? सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में, इसीलिए जो जुडिशियरी के मैटर है हमने जुडिशियरी को दे दिया, इससे ले ली। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होगा? क्यों किया हमने सेपरेशन ऑफ पावर? हाँ, मैंने क्या कहा था, एक लाइन बोलता हूं मैं हमेशा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जितनी ज्यादा पावर एक इंसान के पास रहेगी उतनी ही, इसीलिए तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया है भाई। प्रेजिडेंशियल भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया?
मोनार्की ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक पावर के पास, सॉरी एक इंसान के पास पावर कंसंट्रेट होती, और जहां पावर कंसंट्रेट हो जाती है वो क्या करता है, अब्यूज कर सकता है, उन पावर का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। ब्रिटिश डे में उनके पास ग्लोरियस पोजीशन होती थी, ठीक है। आज के दिन क्या है, येट हिज अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट कैन हार्डली बी अंडर, आज के दिन क्या है, ये तो ब्रिटिशर टाइम का है। आज के दिन भी भाई अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, सेम है। ही स्टिल रिमेन द सोल चीफ एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, कहां पे, किसके चैनल, किस किस के बीच में चैनल का काम करता है, किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड वहां के, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है उनके लोगों के बीच में। मतलब लोगों की डिमांड कहां पहुंचाता है, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट जो देती है उसको लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि स्कीम इंप्लीमेंटेशन का काम किसका है, डीसी का, ठीक है। स्कीम बनवाने का काम किसका है, डीसी का। गवर्नमेंट को बोलेगा भाई अभी इस डिस्ट्रिक्ट में इस चीज की जरूरत है, जहां एजुकेशन कम है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लो एक्स वाई जेड कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां एजुकेशन कम है, हॉस्पिटल कम है, तो ये कौन बताएगा भाई यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए। आप ही के पास ये पावर होगी ना, आप ही लिख के दोगे सर यहाँ हेल्थ की बहुत इश्यूज है, लोकल पीपल्स को हेल्थ की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक हॉस्पिटल और बनवाया जाए। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्यादा है उस डिस्ट्रिक्ट की, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई डिस्ट्रिक्ट की, तो आपको क्या करना है, सर बैंक है, बैंक बहुत कम है, आउट ऑफ रीच है पीपल के, तो क्या करवाया जाए, बैंक की ब्रांचेस बढ़वाई जाए, उसमें इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बड़ा किया जाए, बिल्डिंग को बड़ा किया जाए, रिनोवेट किया जाए, ये सारी चीजें कौन देखेगा भाई, किस डिपार्टमेंट को कितना फंड एलोकेट करना है, क्या सब करना है, वो सब चीजें आप ही तो देखोगे, आप ही तो लिख के भेजोगे। हॉस्पिटल में जाके देखते हो, डॉक्टर को डांट लगाते देखा है ना, डीसी को क्यों लगाता है भाई, क्योंकि उसके ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं वो, ड्यूटी पे नहीं मिले, पब्लिक सर्वेंट है वो, किसके लिए है, पीपल्स के लिए है। अगर ड्यूटी से गायब है तो टीचर्स को, प्रिंसिपल को, बहुत सारे लोगों को ये क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, इवन दो अगर ज्यादा कोई 3-5 करता है तो टर्मिनेट भी कर सकता है, इसके पास पावर होती है, इसीलिए इसको माई बाप भी अभी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये कोट लिख लीजिएगा, ये कोट लिख लीजिएगा, प्लैंडे का कोट है, क्या है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज द आई ईयर द माउथ एंड द हैंड्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। सब कुछ है ये, कैसे है सब कुछ, देखता भी है, सुनता भी है, लोगों की चीजें भी देखता है, उनकी डिमांड सुनता भी है, उनके लिए सामने वाले को बोलता भी है, और उनके लिए क्या करता है, लेके भी आता है सामने से, उनको देता भी है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, आई ईयर माउथ हैंड्स। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों हो। वेलफेयर स्टेट, पहले क्या था, पुलिस स्टेट था, आज वेलफेयर स्टेट है। सर वेलफेयर स्टेट कैसे पता आपको, वेलफेयर स्टेट है, हमें भी नहीं पता भाई, आर्टिकल 38 में लिखा है, क्या लिखा है,
क्या लिखा है? डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब आ जाइए, एमपी एमएलए तक कोई पहुंच सकता है? ठीक है, नहीं पहुंच सकता। जर्नली नहीं पहुंच सकता, कलेक्टर तक तो पहुंच सकता है। एमपी एमएलए के जो चुनाव है उनको भी कौन कंडक्ट करवाएगा? यही तो कंडक्ट करवाएगा। पीएम सीएम तक पहुंचना एक लोकल पर्सन के लिए क्या है? इम्पॉसिबल है। लेकिन डीएम तक पहुंचना पॉसिबल है। इसीलिए सबसे पास, अगर लोगों को गवर्नमेंट के सबसे पास, लोगों का मतलब लोगों के पास और गवर्नमेंट के सबसे पास कौन होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है, यानी कि आप लोग बैठोगे, लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए आप लोग बैठोगे। और उसी में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, जब कोई क्या लेके आएगा, अपनी दिक्कत लेके आएगा और आप उसको सॉल्व कर दोगे, और उसकी खुशी जब उसके चेहरे पे आप खुशी देखोगे ना, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ मेरा पढ़ना सफल हो गया। चाहे पंचायत देखी है, सीरीज देखी है ना, उसको कहां पोस्टिंग मिलती है? गांव में मिलती है, बहुत दूर, शहर का लौंडा होता है और गांव में पोस्टिंग मिल जाती है। ना तो वहां बिजली होती है, कुछ भी नहीं होता, पढ़ने में भी उसको दिक्कत होती है, लेकिन वो वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, उन जगहों से, उन चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है। कैसे सेटिस्फाई होगा वो? क्योंकि वो जब लोग उसके पास समस्या लेके आते हैं तो वो क्या करता है, उसका समस्याओं का निवारण करता है, निदान करता है, और वो उस खुशी को देखता है कि वहां जब लोग वो समस्याओं को सॉल्व करता है तो लोग खुश हो जाते हैं, और खुश होके जाते हैं तो उसको भी खुशी होती। जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तब देखोगे इस चीज की वैल्यू कितनी होती है। आप किसी की हेल्प करते हो आपको खुशी होती है नहीं? किसी बुजुर्ग इंसान को ही आपने रोड क्रॉस करवा दिया, वो तो छोटी सी चीज है, आप सेटिस्फाइड महसूस करते हो, आपका मनोबल और भी ज्यादा होता है। और ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? एक लिखा है ना कि बड़ों का आदर करने से, वेदों में भी लिखा है, चार चीजें बढ़ती हैं, कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। वो बहुत सही लिखा है, आपको हमेशा बड़ों को झुक के प्रणाम करना चाहिए। झुक के क्यों सर? चरण स्पर्श क्यों है? हिंदुओं में साष्टांग दंडवत प्रणाम बोला गया है, सबसे बड़ा है, या फिर आपको झुक के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? नहीं पता, हिंदू हो ना, ट्रेडिशंस नहीं पता आपने? हाथ जोड़ के नमस्कार क्यों करते हैं हम? वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हाथ क्यों नहीं मिलाते? कोरोना में तो पता चल गया होगा, हाँ, चुंबक देखा है? चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो एंटर करती है और साउथ पोल की तरफ निकल जाती है, ऐसा होता है ना? हाँ, हमारी अर्थ भी कुछ ऐसे ही काम करती है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है उनको भी समझ आ जाएगा। नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का भी साउथ पोल है, यहां से मैग्नेटिक लाइन एंटर करती है और इधर निकल जाती है, ऐसे। है ना, आपकी बॉडी को भी वेदों में ऐसा ही माना गया है कि जब आपको बड़े जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ होती है? उनके हाथों में होती है। किसी भी इंसान के हाथ सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्या काम करना है आपके हाथों के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके सर से पैरों की तरफ ट्रांसमिट होती है, पहली चीज, जिससे आपका यस बढ़ता है। किसी आपकी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव होते हुआ आप किसी लक्ष्य को लेके, आपको बोला गया है कि जब भी आप घर से चाहे एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम देने जाओगे तो बड़ों के पैर छू के निकलो, क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? आशीर्वाद देते हैं वो, आशीर्वाद देते टाइम वो क्या करते हैं, आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, पहला फैक्ट। दूसरी चीज,
जो उनके आत्मा से निकलता है। हम बोलते हैं ना कि हम कभी कभी 24 घंटे में हमारे जो हमारी ये टंग है इसके ऊपर सरस्वती विराजमान होती है, ठीक है। तीसरी चीज कि उन मतलब दूसरी चीज तो ये कि उनकी उस टाइम वो जो आशीर्वाद देते हैं कि सफलता मिले, तो नहीं पता उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा पेपर निकल जाए। चौथी चीज, तीसरी चीज कि उनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जब वो बोलते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। और बहुत सारे अगर हम बोलते हैं ना कि कोई बीमार है कि उसके लिए मंदिर जाके प्रेयर करो, ये करो वो करो, तो आप अच्छे लोगों की दुआएं लोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपराइज करोगे। दूसरा, जब आप झुक के किसी को प्रणाम करते हो ना, तो आप साइड वाले जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आपके आसपास लोग हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, हम्बलनेस आएगी आपके अंदर, ईगो नहीं रहेगा आपके अंदर। इन्फ्लुएंस कैसे करोगे आसपास के लोगों को, भाई ये झुक के प्रणाम कर रहा है, बच्चा बहुत अच्छा है, संस्कारी बच्चा है, दूसरों को देखेंगे लोग कि भाई उसका बेटा ऐसा है, और ये समाज में पॉजिटिविटी लेके आता है। हो सकता है किसी को नहीं पसंद आओगा, लेकिन चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा आपका दुश्मन हो, जब आप पैरों में झुक के उसके चरण स्पर्श करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें भूल के आपको आशीर्वाद देगा, मुंह फेर के जाएगा नहीं। और सबसे बड़े हेल्थ इश्यूज, जब आप झुकते हो ना, आपका ब्लड का सर्कुलेशन किस तरफ आ जाता है, ज्यादा सर की तरफ, जब शीर्षासन करते हो ना, जब होता है उस टाइम जो होता है, वही आप झुक के प्रणाम करते हो, चरण स्पर्श करते हो, तो होता है ब्लड में जब सर्कुलेशन बढ़ता है, सॉरी ब्रेन में जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका IQ लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि ब्लड में मोर ऑक्सीजन जाती है, मोर ऑक्सीजन जाएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतनी ही थिंकिंग पावर आपकी होगी, इसीलिए बोला जाता है। दूसरा, आपका यहाँ कमर के ऊपर एक चक्रा होता है, वो एक्टिवेट होता है। इतने सारे तो फायदे बता दिए झुक के, अब भी नहीं झुकोगे तो भाई तुम्हारी गलती है। अब आ जाइए यहाँ पे, बाकी ये तो बातें एक्स्ट्रा हैं, चलती रहेंगी। जब आप पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें हैं। डीसी क्या काम करता है, बैलेंस बना के रखेगा, किस चीज के अंदर, ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। क्या है क्या है बताइए। अरे डीसी का रोल क्या है, एमपी एमएलए गए भाड़ में तेल लेना, जो हमारा काम है, क्योंकि एमपी एमएलए हमें जब रिटायरमेंट आ जाएंगे उसके बाद बनना है, पहले हमें क्या बनना है, डीसी बनना है, तो ये चीजें बाद में देख लेंगे। ये तो क्या काम करते हैं एमपी एमएलए, तो वेलफेयर का काम करते हैं ना, इन चीजों को ये जो स्कीम बना देंगे उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा भाई, डीसी ही तो करेगा, सीधी सी बात है, इतना सोचने की क्या बात है भाई, वेलफेयर स्टेट है ये, पढ़ लेना सारी चीजें, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, आपके डीपीएसपी में जो पढ़ा है वही है, सिर्फ आपको ये सबको पता है भाई, इम्प्लीमेंट करना है, जो भी ऊपर से आएगा इम्प्लीमेंट करना है। ये क्या लिखा है, लोगों के दिमाग, दिलो दिमाग में वो डर नहीं पैदा कर सकता, डिक्टेटरशिप नहीं लेके आ सकता, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, ये सर सारी चीजें हमें पता तो है, क्यों बता रहे हो, जो आपको पता है भाई मैं वही लिख रहा हूं, कि लोगों के पास होके आपको बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली
प्यार के साथ काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए, लोगों का ट्रस्ट आपको जीतना भी है। अगर लोगों का ट्रस्ट जीत लिया ना आपने, तो लोग आपकी बार बार डिमांड करेंगे, आपका ट्रांसफर नहीं होने देंगे एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर के लिए क्या हुआ है, लोगों ने हड़तालें भी की हैं कि उसको यहां से नहीं भेज सकते आप, और बहुत सारे एग्जाम्पल देख भी सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो बहुत सारे ऐसे डीसी गए हैं जिन्होंने एक लोअर लेवल से बहुत अपर लेवल दिया है। एक डीसी है, क्या नाम है उनका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो आदिवासी है उनके लिए बहुत अच्छा काम किया कि जो फीमेल थी उनको इंडिपेंडेंट किया है। कैसे इंडिपेंडेंट किया है कि सोलर पैनल बनाना सिखा दिया उनको। अब वो सोलर पैनल बना के गांव में नहीं, गांव में तो लगा दिए, बाहर भी एक्सपोर्ट कर रही है, दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैटरी बना रही है, सोलर बैटरीज, सोलर लैंप, बड़े बड़े सोलर पैनल्स। अब सोचिए उस डिस्ट्रिक्ट में या उस गांव में कितनी इनकम हो रही है सिर्फ एक इनिशिएटिव से। हाँ, इंटरफेरेंस किसका होता है, बाबू इधर आ जाओ, अब बस हो गया काम, बाबू उधर चले जाओ, किसके बाबू, पढ़िए। ये बाबू सोना जादू टोना वाला नहीं है, कभी उस बाबू को समझ बैठो। पहला पॉइंट पढ़िए सिर्फ, और पहले पॉइंट में बताइए क्या है, पहला पॉइंट पढ़ना है और पहला पॉइंट में बताइए जल्दी से, फिर खत्म करते हैं इसको, क्योंकि मैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दूंगा, बता दूंगा, फिर वही दिक्कत होगी, सर स्लाइड स्क्रॉल कर देते हो, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता। किसकी अकाउंटेबिलिटी, एमपी एमएलए किसके लिए, पीपल्स के इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए होते हैं, ठीक है, मतलब पीपल का इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट पहुंचाएगा कौन भाई, एमपी एमएलए तक अपने आप पता लग जाता है, या आप उनके घर जाके एप्लीकेशन लिख के देके आते हो लोगों के थ्रू, कैसे एमपी एमएलए जनता में जाते हैं, उनका काम तो पार्लियामेंट में होता है, ग्रीवांसेस किसके पास जाएंगी भाई। मान लो आप जहां से आ रहे हैं ट्रेन नहीं रुकती उस स्टेशन पे, और बहुत सारे लोग कहां जाते हैं, वहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी जगह पे जॉब करने जाते हैं। मान लो गुड़गांव ही आ रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, रास्ते में नहीं रुकती, सिर्फ दो, एक या दो ट्रेन है, सुबह है या शाम है, लेकिन बीच में आने वाले यात्रियों को असुविधा के लिए खेद है, क्या करोगे सर, हमें क्या पता, वो तो रेलवे देखेगी या लोग पैदल जाएंगे। बेटा ट्रेनों का या तो नंबर बढ़ाया जाएगा, अगर ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकते उस रूट पे तो ट्रेन स्टॉपेज बढ़ा दो, एक आधी जो एक्सप्रेस जितनी ट्रेन आ रही है उसमें एक जर्नल कंपार्टमेंट और ऐड करवा दो, यही तो वे हो सकता है ग्रीवांस रिड्रेसल का। ये चीज कौन बताएगा, डीसी बताएगा कि भाई ये कर दो और एक स्टॉपेज बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है, पांच ट्रेन जा रही है, पांच में से दो तो ऑलरेडी रुक रही है, तो एक और रुक जाएगी भाई, उसे पीछे किसी डिस्ट्रिक्ट पे मत रोको, पीछे एक स्टॉप घटा दो उसका, यहां बना दो, जो आपको लग रहा है उधर इंपॉर्टेंट नहीं है यहां इंपॉर्टेंट करवा दो उसको, यहां भेज दो, क्योंकि यहां से आपको रिवेन्यू का प्रॉफिट होगा। मान लो एक स्टेशन पे 10 आदमी बैठ रहे हैं और दूसरे स्टेशन पे आगे 50 आदमी चढ़ रहे हैं,
तो आप उसको 10 की बजाय 50 पे रोको ना, और डिस्टेंस कम है तो मे बी शिफ्ट इजिली हो जाएगा। भाई 50 किलोमीटर का भी अगर डिस्टेंस है तो शिफ्ट इजिली कर सकते हैं, या नहीं? डीसी के अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों कर, अगेंस्ट तो पीपल कर सकते हैं क्या? कर सकता है ना, हाँ तो कर सकता है। अरे तो भाई करप्ट है तो लैंग्वेज, सीधी सी बातें कर सकते हो ना, आप लोग भी कर सकते हो। डीसी के अगेंस्ट तो आपके पास भी अथॉरिटी है, अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट का वेलफेयर नहीं कर रहा है, करप्ट है, आपको पता है कि भाई ये तो सिर्फ धनिया का आदमी है, ठीक है, तो हमारा आदमी नहीं है, तो धनिया के लिए तो सीधी सी बात है आप जाओगे, करप्ट हो जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल पीपल जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पीपल भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? कहाँ है?